वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग अवार्ड्स और ऑनर्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था बुक्स एंड ऑथर्स, तो इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स लाए हैं जो कि काफ़ी सारे होते हैं। उनमें से कुछ सिलेक्टेड ही हम लोग को याद रखने होते हैं, क्योंकि कुछ इतनी चीज़ें हैं कि कुछ हम हर चीज़ में कम से कम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सारी पूरी लिस्ट यहाँ पे आप लोग को याद करवाने की कोशिश करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है। वो पहले से होता है तो सही रहता है। लास्ट टाइम पे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग को कवर करने हैं तो वो आज हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा है नोबेल प्राइज़ इन पीस। देखिए, प्रीवियस पेपर में भी हम लोगों ने देखा था कि नोबेल प्राइज़ से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो इस वैसे भी नोबेल प्राइज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़ इन पीस, पीस में नोबेल प्राइज़ मिला है वो फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला, इसे ध्यान रखिएगा। और वैसे तो किसी न किसी पर्सन को मिलता है, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीस प्रोग्राम, पीस नोबेल प्राइज़ याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़, देखिए पीस में होता है लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। सिक्स में होता है, पहले इकोनॉमिक्स नहीं होता था, पहले सिर्फ फाइव से, अब सिक्स हो गए हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पीस देख लिया, अब हम लिटरेचर की बात करें तो उसमें मिला है अमेरिकन एक पोएट हैं लुइस ग्लुक, उनको मिला है, वो पोएट्री करती हैं उस पर मिला है उनको। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मिला है रॉबर्ट बी विल्सन, पॉल मिलग्रॉम। तो याद रखिएगा, देखिए नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में जो है अमेरिकन पोएट हैं लुइस ग्लुक, इनको मिला है लिटरेचर से एल, इसको इसको ध्यान रखिएगा, लिटरेचर और एल, लुइस ग्लुक। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में विल्सन याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में विल्सन याद रखिएगा और मिलग्रॉम याद रखिएगा, विल्सन मिलग्रॉम, विल्सन मिलग्रॉम, ये कौन है इकोनॉमिक्स के हैं। नेक्स्ट आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स में देखिए रोजर पेनरोज, पहले तो देख लीजिए किसके लिए मिला है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए इनको मिला है, तो ब्लैक होल, जैसा आप लोगों ने इमेजेस उस पर देखी होंगी ब्लैक होल की रिसर्च की है, तो ब्लैक होल की रिसर्च पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स में। स्ट्रीम याद रखिएगा, ब्लैक होल आएगी फिज़िक्स में। रोजर पेनरोज, देखिए सबके सरनेम याद रखिएगा, पेनरोज, गेंसल और गेस, तो ये याद रखना आसान होता है, पूरा पूरा नाम नहीं याद रहता है। पेनरोज, गेंसल, गेस, ये मिला है फिज़िक्स में, पेनरोज, गेंसल, गेस। अब देखिए पी से फिज़िक्स और पी से ही पेनरोज है, जो फर्स्ट वाला हमारा वर्ड है वो पी से है, बाकी गेंसल, गेस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में जो मिला है वो मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए। जीनोम एडिटिंग कहाँ में की जाती है, देखिए डीएनए जो होता है हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, उसमें जीन्स होते हैं, तो उनके इस उसमें जो पेयर्स होते हैं उनमें एडिटिंग जो की जाती है उसे जीनोम एडिटिंग कहते हैं। तो जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है इमैनुअल चारपेंटियर, जेनिफर ए डॉडना, तो इसको याद रखिएगा चारपेंटियर से, चारपेंटियर और डॉडना, देखिए सी फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, तो ऐसे याद रखिएगा, केमिस्ट्री में चारपेंटियर और डॉडना को मिला है सी, उसके बाद क्या आएगा डी आ जाएगा जीनोम एडिटिंग के लिए, ये भी पूछ सकते हैं इसलिए इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, तो देखिए मेडिसिन जो है, मेडिसिन में मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की रिसर्च पे मिला है, तो इसे ध्यान रखिएगा, मेडिसिन में हेपेटाइटिस सी वायरस की रिसर्च पे मिला है, किसको मिला है, जे ऑल्टर, एम राइस और माइकल हॉटन, तो ये याद रखिएगा, ऑल्टर याद रखिएगा, ऑल्टर राइस हाउटन, ऑल्टर राइस हाउटन, ऐसे करके याद रखिएगा, तो मेडिसिन में इन तीन को मिला है। उसके बाद हम अभी हम एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020, तो ये जो मिला है ये पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को मिला है, पुणे में है आर्मी इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, उसे मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसे याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है ई पंचायत पुरस्कार, ई पंचायत मिला है हिमाचल प्रदेश को, ई पंचायत मिला है किसे, हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है जर्मन बुक ट्रेड ऑफ फॉर पीस प्राइस, देखिए नोबेल पीस प्राइस मिला है वर्ल्ड फूड, वर्ल्ड फूड को। उसके बाद जर्मन बुक ट्रेड फॉर पीस प्राइस मिला है अमर्त्य सेन को,
ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जर्मन बुक ट्रेड फॉर पीस प्राइस अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। इस बार काफ़ी सारी जगहों पे सब चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर जो होता है बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार एक को मिला है, राजेंद्र कुमार भंडारी हैं वो। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ये किससे मिला है, हेमंत कुमार पांडे। ये हमने जब हम वो पढ़ा रहे थे प्रीवियस पेपर तो उसमें भी हमने ये आया था, हमने इसको बताया था इस करंट में लेकर। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हेमंत कुमार पांडे को मिला है, ये वहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट IFFI अभी बिस्वजीत चटर्जी को मिला है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट IFFI किसको मिला है, बिस्वजीत चटर्जी को। नेक्स्ट है टॉप लिस्ट ऑफ रिचेस्ट चैरिटेबल गिफ्ट्स इन 2020, ये तो सबको पता है जेफ बेसोस जो कौन है, अमेजोन के चेयरमैन है, अमेजोन के चेयरमैन है जेफ बेसोस, इनको मिला है टॉप लिस्ट ऑफ रिचेस्ट चैरिटेबल गिफ्ट्स इन 2020। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी है सॉरी यहाँ पे लिटरेसी प्राइस ये मिला है राजकमल झा को। देखिए याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर राजकमल झा। उसके बाद रामानुजन प्राइस मिला है, ये किसके लिए मिलता है, रामानुजन प्राइस ये मैथमेटिक्स के लिए मिलता है और फॉर यंग मैथमेटिशियंस के लिए मिला है कैरोलिना अराउजो को। तो इसको ध्यान रखिएगा रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिक्स कैरोलिना अराजुओ। नेक्स्ट है फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड बजरंग पूनिया को मिला है। फिकी का फुल फॉर्म होता है फ्रीड ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड है, इसे किसको मिला है, बजरंग पूनिया को मिला है। नेक्स्ट है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, देखिए यूएन के जो अवार्ड्स होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है एनजीओ हेल्प एज इंडिया को, एनजीओ हेल्प एज इंडिया। उसके बाद है यूनेस्को एशिया पैसिफिक इन 2020, ये मिला है श्रीनगर में कॉलेज है अमर सिंह कॉलेज, यूनेस्को एशिया पैसिफिक इन 2020 अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। नेक्स्ट है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड मिला है रतन टाटा को, सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, इसे ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस ये मिला है रतन टाटा को। ऐसे ही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ह्यूमैनिटेरियन को मिला है सोनू सूद को, वो तो सबको ही पता होगा इसलिए हमने इसे रखा नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं ओरली। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2020 सेल को मिला है, सेल को मिला है गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। उसके बाद है CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो मिला है इन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के लिए, वो मिला है NTPC लिमिटेड को। ये सेल मिला है, देखिए सेल मिला है गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सेल को मिला है और CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है NTPC को। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर प्राइस, देखिए दो टीचर के अवार्ड हैं अभी एक और आएगा तो वहाँ पे हम बताएंगे। देखिए ग्लोबल टीचर प्राइस 2020 मिला है रंजीत सिंह को ग्लोबल टीचर प्राइस, रंजीत सिंह को। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो अरे यहाँ पर ये दूसरी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर WORD यानी कि वर्ल्ड शब्द वाली चीज़ है, तो वो मिला है क्वारंटाइन को। और अगर हम बात करते हैं मैरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग तो उनके अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर पैंडमिक को मिला है, पैंडमिक वर्ड को मिला है, ये भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, क्वारंटाइन, और मैरियम के अकॉर्डिंग पैंडमिक। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 कौन सा है, बैंक ऑफ घाना, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर बैंक ऑफ घाना। नेक्स्ट बेस्ट शिप्स इन FAF, अब ये FAF क्या है, नेवी में FAF फ्लीट अवार्ड फंक्शन में बेस्ट शिप्स का मिला है इंडियन नेवी शिप्स सह्याद्री एंड कोरा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर IS चहल को मिला है, मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर IS चहल को मिला है कौन सा, ग्लोबल कोविड क्रूसेडर अवार्ड, कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 IS चहल को मिला है। नेक्स्ट है एशिया गेम चेंजर अवार्ड,
ये मिला है शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड। ये इससे लग रहा है नाम से कि ये गेम का होगा, जबकि ये इसका है, शेफ का है, शेफ विकास खन्ना को मिला है एशिया गेम चेंजर अवार्ड। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय IOC। देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट काफ़ी सारे होते हैं, अलग अलग जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने निकालती हैं। तो अगर हम बात करते हैं IOC की, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, तो वो मिला है पुलेला गोपी चंद को, पुलेला गोपी चंद, इसे ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020, ये मिला है केरला टूरिज्म्स ह्यूमन बाई नेचर कम्पेन। देखिए पाटा क्या है, अगर हम बात करते हैं पाटा की, तो ये है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ग्रैंड अवार्ड 2020 मिला है केरला टूरिज्म ह्यूमन बाई नेचर कम्पेन। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड ये मिला है असम असम के डिब्रूगढ़, ये वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है डिब्रूगढ़, उसको मिला है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। उसके बाद है PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है सी रंग राजन को। ये कौन से थे, ये हैं फॉर्मर गवर्नर RBI के, PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सी रंग राजन। उसके बाद है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 मिला है किजैंग डी थोंगडॉक को। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 मिला है किजैंग डी थोंग डॉक। नेक्स्ट है वॉन कॉर्मन अवार्ड मिला है के सिवान को, जो कौन है इसरो के चेयरमैन है के सिवान, उनको मिला है वॉन कॉर्मन अवार्ड 2020। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 मिला है रतन लाल को। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है नोबेल पीस प्राइज, और ये है वर्ल्ड फूड प्राइस 2020, इसे मिला है रतन लाल। उसके बाद नेक्स्ट है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड्स 2020, किसे मिला है IIT के खड़गपुर, खड़गपुर IIT को मिला है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड्स। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अवार्ड, ये मिला है NLCIL को। NL यहाँ पर क्या है, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा फुल फॉर्म है। स्वच्छता ही सेवा अवार्ड किसे मिला है, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, एक आया था अभी टीचर्स को लेकर, ग्लोबल वो अवार्ड था, वो आया था उस रंजीत सिंह थे उसके, ये है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, ये मिला है सुधा पेन्यूली, पेन्यूली को, सुधा पेन, सुधा याद रखिए, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स मिला है सुधा को। उसके बाद है नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सेलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट, ये मिला है हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सेलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट, याद रखिएगा हैदराबाद में है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या नाम है इसका, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है UN's यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल गोल्स, देखिए सस्टेनेबिलिटी इन सब से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, करंट में आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, कुल मिलाकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं इनसे SDG से। तो यहाँ पर हमने UN का लिया है UN's यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल गोल्स, ये हैं उदित सिंघल, इन्हें ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, उदित सिंघल सस्टेनेबल गोल के यंग लीडर कौन है, उदित सिंघल। उसके बाद है UN अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD 20, अब ये NCD क्या है, ये NCD है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दो टाइप के डिजीज होती हैं, एक कम्युनिकेबल होती है एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो होती हैं जो टच से या किसी ना किसी कॉन्टैक्ट से वो स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जो फैलती नहीं है, जो अपनी ओन होती है, तो वो हो गया NCD। तो ये मिला है UN अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD, इस पर किसने अच्छा से प्रिवेंशन और कंट्रोल किया है, केरला ने किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन फिशरीज असम, देखिए फिशरीज पे काफ़ी सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, मत्स्य संपदा योजना ये सब सुना होगा आपने, तो ये सब चल रही हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन फिशरीज़ में कौन सा है, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो वो है असम। असम को एक और भी मिला है, असम के डिब्रूगढ़ को, उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है रमेश पोखरियाल को। और नेक्स्ट है ग्लोबल अवार्ड TX2 फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, ये मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये UP में आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व,
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल अवार्ड मिला है टेक्स टू फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, डबल हो गई है टाइगर की पॉपुलेशन कौन से, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 डाइट है, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। फर्स्ट प्राइज़ मिला है स्मार्ट इंडिया हैकाथन में। नेक्स्ट है डायना अवार्ड मिला है फ्रेया ठाकरल को, डायना अवार्ड फ्रेया ठाकरल को मिला है। नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल ये मिला है रंजीत कुमार, एक रंजीत सिंह थे वो कौन थे, वो ग्लोबल टीचर वाले थे रंजीत सिंह, ये हैं रंजीत कुमार और ये हैं नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 ये मिला है विंग कमांडर गजानंद यादव, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने रखा है 2019 का तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, इसको ध्यान रखिएगा विंग कमांडर गजानंद यादव को मिला है। नेक्स्ट है एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स में एबल प्राइज मिलता है और रामानुजन भी मैथमेटिक्स में मिलता है मैथमेटिशियन को, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद एबल प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो ये मिला है हिलल फर्स्टनबर्ग और ग्रॉगरी मार्गिलिस, तो देखिए याद रखिएगा फर्स्टनबर्ग से एबल प्राइज मिला है फर्स्टनबर्ग और ग्रॉगरी, फर्स्टनबर्ग और ग्रॉगरी। उसके बाद ग्लोब ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड टॉप पब्लिसिस्ट को मिला है सचिन अवस्थी, देखिए ग्लोब ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो मिला है सचिन अवस्थी को, और उधर SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो वाला जो मिला है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड वो मिला है सोनू सूद को, तो इसे ध्यान रखिएगा ग्लोब ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है सचिन अवस्थी। नेक्स्ट है गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी ग्रेटा थनबर्ग को मिला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी ग्रेटा थनबर्ग। यहाँ पर हमने देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सोशल इशूज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे अवार्ड्स रखे हैं क्योंकि वो अपने में इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइस, कृतिका पांडे को मिला है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइस 2020 कृतिका पांडे। नेक्स्ट है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020, अभी तक इधर नासा के यूएन यूएस के आ रहे थे, अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 मिला है शोभा शिखर को, शोभा शिखर। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड सीड्स को मिला है। नेक्स्ट है नाइपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 राजीव जोशी, अब ये NYIPLA क्या है, देखिए NY क्या है न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, IP से है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ये है लॉ एसोसिएशन, तो पूरा हो जाएगा न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला है राजीव जोशी को, राजीव जोशी को ध्यान रखिएगा राजीव जोशी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक करमवीर चक्र अवार्ड सुनील यादव SS को मिला है, करमवीर चक्र सुनील यादव को मिला है, महावीर चक्र किसे मिला है संतोष बाबू, महावीर चक्र संतोष बाबू को और करमवीर चक्र सुनील यादव, इसे ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हैं लास्ट थ्री अवार्ड्स फेड कप हार्ट अवार्ड, देखिए ये फर्स्ट टाइम मिला है फेड कप हार्ट अवार्ड सानिया मिर्जा को मिला है। उसके बाद है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 कौन है, लुइस हैमिल्टन है और लायनल मेसी हैं, ये तो इनको सब जानते हैं फुटबॉलर हैं और ये F1 रेस जो होती है उसके हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन और लायनल मेसी को मिला है। लास्ट है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, एक था ई पंचायत अवार्ड वो किसे मिला था, वो हिमाचल प्रदेश को मिला था और यह है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, ये मिला है रेल मदद को, ई गवर्नेंस अवार्ड रेल मदद। तो यहाँ पे हमारे टॉप 60 अवार्ड्स फिनिश हो जाते हैं, इसके बाद एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखिए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड रेल मदद को मिला है, अगर हम बात करते हैं ई पंचायत तो वो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन और लायनल मेसी को मिला है, फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है सानिया मिर्जा को, नेक्स्ट है महावीर चक्र मिला है संतोष बाबू को, करमवीर चक्र मिला है सुनील यादव को, नाइपीला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है राजीव जोशी को, नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड मिला है सीड्स को, उसके बाद है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मिला है शोभा शिखर को, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है कृतिका पांडे को, नेक्स्ट है गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी के लिए मिला है ग्रेटा थनबर्ग को,
ग्लोब ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है टॉप पब्लिसिस्ट सचिन अवस्थी को, और एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है सोनू सूद को। एबल प्राइस मैथमेटिक्स मिला है फर्स्टनबर्ग और ग्रेगरी को। नेक्स्ट है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है विंग कमांडर गजानंद यादव को। नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल मिला है रंजीत कुमार को। उसके बाद है डायना अवार्ड फ्रिया ठाकरल को मिला है। फर्स्ट प्राइज स्मार्ट इंडिया हैकाथन मिला है डाइट को, डिफेंस का है। उसके बाद ग्लोबल अवार्ड TX2 फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन किसे मिला है, कौन से, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। फिर है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रमेश पोखरियाल को। बेस्ट हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन फिशरीज ये मिला है असम को। यूएन अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मिला है केरला को। यूएन यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल गोल मिला है उदित सिंगल को। नेक्स्ट है नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सेलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट मिला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स ये मिला है सुधा को। स्वच्छता ही सेवा अवार्ड मिला है NLCIL को, नेवेली लिग्नाइट। उसके बाद गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड मिला है IIT खड़गपुर को। वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 मिला है रतन लाल को। वॉन कार्मन अवार्ड मिला है के सिवान को। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है किजांग डी थोंगडॉक को। PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है सी रंगराजन को। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है असम के डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट है पाटा ग्रैंड अवार्ड मिला है केरला टूरिज्म ह्यूमन, देखिए टूरिज्म से याद रखिएगा, केरला टूरिज्म को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय IOC यानी कि ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मिला है प्यूलेला गोपी चंद को। एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला है शेफ विकास खन्ना को। ग्लोबल कोविड क्रूसेडर अवार्ड मिला है IS चहल को, मुंबई की IS चहल को। बेस्ट शिप इन FAF 2020 मिला है इंडियन नेवी शिप सह्याद्री एंड कोरा को। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर मिला है बैंक ऑफ घाना को। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 वर्ड ऑफ द ईयर मेरियम वेस्टर के अकॉर्डिंग पैंडेमिक को मिला है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्वारंटाइन वर्ल्ड को मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है रंजीत सिंह को। उसके बाद CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है किसके लिए, CSR के लिए NTPC को। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट मिला है सेल को। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड के लिए रतन टाटा को मिला है। उसके बाद यूनेस्को की बात करें तो एशिया पैसिफिक इन 2020 मिला है अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को। यूएन पॉपुलेशन की बात करें तो NGO हेल्प एज इंडिया मिला है। फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड बजरंग पूनिया को मिला है। नेक्स्ट है रामानुजन प्राइस यंग मैथमेटिशियन के लिए कैरोलिना अराउजुओ को मिला है। उस देखिए यहाँ पर अराउजुओ और रामानुजन ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैच करिए एकदम। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर राजकमल झा, आर से स्टार्ट है रविन्द्रनाथ का, आर से राजकमल झा। टॉप लिस्ट ऑफ रिचेस्ट चैरिटेबल गिफ्ट जेफ बेजोस। नेक्स्ट है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट IFFI विश्वजीत चैटर्जी। उसके बाद DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हेमंत कुमार पांडे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी। जर्मन बुक ट्रेड फॉर पीस प्राइस अमृत सेन को। ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है आर्मी स्पोर्ट पुणे का। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मेडिसिन मिला है हेपेटाइटिस सी के लिए जे ऑल्टर राइस हॉटन। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है चारपेंटियर डाउडना। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो ब्लैक होल के लिए मिला है पेनरोज गेंसल गेस। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमने ये नहीं बताया कि ये किसके लिए मिला है, ऑक्शन थ्योरी के लिए मिला है। ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए, तो वो मिला है विल्सन मिलग्रोम इकोनॉमिक्स। लिटरेचर की बात करें तो लुइस ग्लुक अमेरिकन पोएट हैं। और पीस की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी इनको मिला है। तो ये टॉप 60 हमारे अवार्ड्स हैं, इनको ज़रूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा जितने भी बाफ्टा हो गए, ऑस्कर हो गए, ग्रैमी अवार्ड्स, ये सब देख लीजिएगा। ये छोटे छोटे हैं, दो तीन पॉइंट्स हर उसमें याद करने होंगे आपको, और स्पोर्ट्स अवार्ड कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। तब तक के लिए